क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि यूपी कैटेट के सेशन में जो भी स्टूडेंट अभ्यर्थी आगामी तैयारी करना चाह रहे हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में जो भी स्टूडेंट सिलेक्टेड होते हैं, मैं उनका इंटरव्यू के स्वरूप में आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो फाइनली आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं एमएससी एजी एंट्रेंस क्वालिफाई करके, और वर्तमान में ये आचार्य नंदेव कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज में अध्ययनरत है। तो सबसे पहले हम इनका परिचय जानते हैं और फिर आगे की जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं उस क्वेश्चंस को हम इनके द्वारा अपने आंसर को प्राप्त करेंगे, और आगे की स्ट्रेटेजी क्या है और कैसे तैयारी आप लोग करेंगे, सारे क्वेश्चन हम इसी वीडियो में सम्मिलित करके कंक्लूड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इनका परिचय जानते हैं। मेरा नाम सुधांशु वत्स है, मैं प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला हूँ और हमारी बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर गणपत साय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सुल्तानपुर से। इस समय वर्तमान में मैं यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण कर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पादप रोग विज्ञान विभाग प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से एमएससी फर्स्ट ईयर। जैसा कि आप लोगों ने इनका परिचय जान लिए, तो ये वर्तमान में एनडीयूटी यूनिवर्सिटी कुमारगंज अयोध्या से वर्तमान में प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट से एमएससी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आगामी अपडेट्स, जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं, तो सबसे पहले मन में ये अवधारणा रहती है कि जैसे कि जो भी स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज से हैं या फिर यूपी कैडेट से नहीं हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो देखिए जैसे कि आपके समक्ष प्रमाण के रूप में जैसे इन्होंने तैयारी किया है डिग्री कॉलेज से पढ़ते हुए और यूनिवर्सिटी की तरफ मूव ऑन किया है, तो आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनसे पहला प्रश्न अपना ये रखते हैं, यूपी कैडेट में ये सफल कैसे हुए? जैसे यूपी कैडेट में 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं पूरे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के दौरान, जो भी आप अध्ययनरत करते हैं उसी में से सब्जेक्ट, उसी सभी विषयों में से सम्मिलित रहता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा, आपने यूपी कैडेट में 200 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे, जो कि मन में भ्रम बना रहता है काफी स्टूडेंट का, तो उसको क्लियर करिए। आप मैक्सिमम 132 क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया मैं 122 क्वेश्चन किया था, आप मैक्सिमम अगर 100 क्वेश्चन भी करेक्ट एक्यूरेट सही कर देते हैं तो आप टॉप 100 के रैंक में आ सकते हैं। आप क्वेश्चन को एक्यूरेसी रखिए कि क्वेश्चन को सही करिए, क्वेश्चन ज़्यादा करने से नहीं मतलब है, क्वेश्चन जितना ज़्यादा सही करेंगे आपकी रैंक उतनी ज़्यादा अच्छी। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जितनी एक्यूरेसी सही रहेगी उतना ही बेहतरीन आपका रैंक आएगा, तो आप लोग, ये डिपेंड करता है पेपर के ऊपर कि पेपर जब टफ आता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करना चाहिए, जब पेपर सरल आता है तो कट ऑफ हाई आती है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में अब दूसरा प्रश्न हम ये रखेंगे कि आपने कौन कौन से प्रमुख पुस्तकों का इस्तेमाल करके यूपी कैडेट में सफल रैंक लाए थे? पुस्तकों में सबसे प्रथम पुस्तक है नेमराज सुंदर, उस पुस्तक को आप सबसे अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन और जितने तरह हमारे यूपी कैडेट में पूछे जाने वाले 17 सब्जेक्ट्स हैं, जीएस को छोड़कर सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन उसके अंडर आ जाते हैं। उसके साथ साथ स्पेशल के लिए हॉर्टिकल्चर आप पढ़ सकते हैं, एस आर कांता की बुक आप पढ़ सकते हैं, प्लांट पैथोलॉजी के लिए आप एच सी दुबे पढ़ सकते हैं क्योंकि पैथोलॉजी के क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं, और आप किसी कोर्स को छोड़िएगा नहीं। फॉरेस्ट्री के लिए फॉरेस्ट्री की बुक आती है यूजी लेवल पर रामा पब्लिकेशन की, आप उसको पढ़ सकते हैं। इन्हीं सब बुकों को पढ़कर आप यूपी कैडेट में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक बुक आपकी आती है कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर नेमराज सुंदर, उसको आप अच्छे तरीके से, ये नहीं कि कह दिए इन्होंने और आप सुन लिए और बुक को ला करके अलमीरा में रख लिए, उसको गहन अध्ययन करना पड़ता है, तब आपको यूपी कैडेट में क्वालिफाई करने का एक अवसर प्राप्त होता है या फिर टॉप रैंक लाने का एक अवसर प्राप्त होता है। और साथ ही में इन्होंने बताया कि जो भी विषय आप पढ़ेंगे उसका टेक्स्ट बुक पढ़ें, टेक्स्ट बुक इन द सेंस ये है कि जैसे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग आपको पढ़ना है, आपके पास समय है अभी 4-5 महीने का, और या फिर आपके पास एक वर्ष का समय है, तो आप सभी विषयों का टेक्स्ट बुक पढ़ने का पूर्ण प्रयत्न करें। जैसे फुंदन सिंह आपका हो गया जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए, ठीक है, और आपका अगर सॉयल साइंस पढ़ना है तो सॉयल टेरिटराइज आप पढ़ सकते हैं, बीएन साय वाली पुस्तक से पढ़ सकते हैं, एंटोमोलॉजी पढ़ना है तो टेक्स्ट बुक ऑफ एंटोमोलॉजी माथुर एंड उपाध्याय से पढ़ सकते हैं, एग्रोनॉमी आपके फील्ड क्रॉप पढ़ना है तो छिद्दा सिंह के माध्यम से पढ़ सकते हैं, या फिर आपको वीड मैनेजमेंट और क्लाइमेट साइंस पढ़ना है तो आप रेड्डी एंड रेड्डी और एस आर रेड्डी दोनों पुस्तकों का इस्तेमाल छोटा छोटा आप अपने
टॉपिक को निकालते हुए वहां से आप अपना पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो भी बुकें हैं रिकमेंडेशन के लिए, तो आपके पास मैक्सिमम स्टूडेंट के पास नेमरासुंडा होता है, ठीक है। और यहीं पर एक प्रश्न हम ये रखेंगे कि जो पेपर आता है वो हिंदी माध्यम में आता है या अंग्रेजी माध्यम में आता है, आपको पढ़ना चाहिए हिंदी माध्यम में अंग्रेजी माध्यम में, इसको जरा क्लियरफाई करिए। पेपर केवल अंग्रेजी माध्यम में आता है, पेपर हिंदी माध्यम में नहीं आता है, इसलिए हमें अपनी जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि आगे MSc भी करनी है तो वो हमें पूरी इंग्लिश में ही करनी पड़ती है। तो जैसा कि आप UG में भले ही हिंदी पढ़े हैं या फिर आप यूनिवर्सिटीज पढ़े हैं तो आपको इंग्लिश में आराम से क्लियर हो गया होगा। सेमेस्टर आपके BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर या BSc ऑल एलाइड सब्जेक्ट आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या ICR से, CET से, UP कैडेट से, किसी भी संस्थान से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप जब PG लेवल पे जाते हैं तो भी आपको इंग्लिश में ही पूरा आपको प्री मिड टर्म, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल, उसके बाद फिर फाइनल एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जामिनेशन होंगे सभी के सभी अंग्रेजी भाषा में ही होंगे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट एंड लास्ट मान के ये चलिए कि आपकी जो प्रेफरेंस रहनी चाहिए वो केवल अंग्रेजी भाषा का ही होना चाहिए, ठीक है। जो 20 क्वेश्चन आता है GS का, क्या वो भी अंग्रेजी में आता है? हाँ, सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश लैंग्वेज में ही रहते हैं। तो जितने भी 200 के 200 क्वेश्चन आते हैं सभी के सभी अंग्रेजी भाषा में ही आते हैं। समय कितने का मिलता है, कितने घंटे का मिलता है और निगेटिव मार्किंग का प्रावधान क्या होता है? 3 घंटे, 200 क्वेश्चन रहते हैं यूपी कैटेट के एग्जाम में और 3 घंटे का समय मिलता है। निगेटिव मार्किंग का प्रावधान क्या रहता है? निगेटिव मार्किंग जो रहती है उसमें 1/4 रहती है और 200 क्वेश्चन और 3 घंटे का समय मिलता है। जो पेपर आता है आपका, जो पेपर आपका होगा वो ऑनलाइन माध्यम में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या OMR बेस्ड पे होता है, कैसे होता है इसका जवाब आप प्रोसेस थोड़ा बताइए। OMR बेस पर होता है, हमको एक पेपर मिलता है 200 क्वेश्चन लिखा रहता है, उसको पढ़कर OMR में उस गोले को, पूर्ण गोले को भरना होता है। उसमें उसके प्रॉस्पेक्टस में लिखा है कि अगर पूर्ण गोले को आप नहीं भरते तो उस आंसर की गिनती काउंटिंग नहीं की जाती, इसलिए हमें OMR के गोले को सही प्रकार से भरना चाहिए। तो OMR आपको बिल्कुल सटीक तरीके से आगे हम आपको बताते रहेंगे, जैसे आपका एग्जामिनेशन आएगा हम आपको पूरा फुल गाइड करते रहेंगे। लेकिन अब हम आगे चलते हैं कि जैसे मान लीजिए आप MSc किस विषय से करना चाहिए, इसको क्लियरफाई करें। MSc देखिए दो चीज़ें होती है, एक होती है मेजर सब्जेक्ट, एक होता है माइनर सब्जेक्ट। आजकल माइनर सब्जेक्ट की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेजर सब्जेक्ट में आप जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉयल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, एंटमोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, इनको ले सकते हैं। और माइनर सब्जेक्ट में आपका इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, फॉरेस्ट्री, इन सबको ले सकते हैं। और आपका ज़्यादातर अगर रुझान आपकी रैंक अच्छी लाने की कोशिश करिए और आप मेजर सब्जेक्ट से कोशिश करिए, लेकिन माइनर सब्जेक्ट से भी आप MSc कर सकते हैं, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट में जैसे स्टैटिक्स में भी बहुत सारा स्कोप है उसका। मेरा प्लांट पैथोलॉजी से है और हर सब्जेक्ट का स्कोप अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा होता है। जैसा कि इन्होंने बताया मेजर और माइनर को डिफाइन कर दिया, तो इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट हैं आप अपने रैंक के अनुसार पहले बात तो सीट ले सकते हैं, दूसरी आपकी इंटरेस्ट, आपकी रुचि किस में है, आप किस में कर ले जाते हैं, किस में पढ़ ले जाते हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। आपको ज़बरदस्ती स्टैटिक्स दे दिया जाए बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है पैथोलॉजी में तो आप बिल्कुल पैथोलॉजी नहीं पढ़ पाएंगे, एंटोमोलॉजी में आपको दे दिया जाए तो आप उसमें कर ही नहीं पाएंगे, थीसिस ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो जैसा कि इसमें आपको MSc में थीसिस, आगे आपको एक बुक लिखनी होती है स्वयं की, जिस पे आपका रिसर्च होगा उसी के माध्यम से आपको टाइटल मिलेगा, थीसिस बनेगा, उसके बाद आपको उसी परिप्रेक्ष्य में डिग्री आपको मिलेगी, ठीक है। इसके बाद फिर आगे MSc करने के उपरांत किस विषय में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी है, या फिर सभी विषयों को लेकर के अगर हम चले समान रूप से PG लेवल पे, तो इसके आगे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब या फिर आपका स्वयं का बिजनेस क्या करना चाहिए और क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, कैसे कैसे प्रोसेस इसका क्या होता है जरा बताइए। देखिए जब आप MSc कर रहे हैं, आप हायर एजुकेशन में आए हैं, तो MSc से लेकर जैसे आपकी STA सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब आती है, ISRO में जॉब आती है,
दिल्ली DSSSB की जॉब आती है, आप इन सब जॉब को भर सकते हैं। और MSc करने के बाद मेरा मानना है कि आपको PhD करके आपको टीचिंग लाइन में असिस्टेंट प्रोफेसर ARS एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस में जाना चाहिए, जिसका चयन आपका ASRB एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड के तहत होता है। तो हमें अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देकर इस कृषि विज्ञान के क्षेत्र में कुछ करना चाहिए, क्योंकि अपने एक सब्जेक्ट को बढ़ाते हुए और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। और सरकारी की बात होगी, अब प्राइवेट क्षेत्र में बताइए कि क्या प्राइवेट में प्लेसमेंट होता है, कैसे प्लेसमेंट होता है। प्राइवेट क्षेत्र में देखिए, जैसे पैथोलॉजी और एंटमोलॉजी, इसका सबसे ज्यादा स्कोप होता है, क्योंकि ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड आपके जितने भी डिजीज कॉज हो रहे हैं, किस कारण से कॉज हो रहे हैं, इन सब के लिए सबसे ज्यादा एंटमोलॉजी पैथोलॉजी का पूछ मतलब पैथोलॉजी की ज्यादा मान्य होता है। और प्लांट पैथोलॉजी वाले डिपार्टमेंट के जहाँ तक मुझको पता है, हर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो उसमें भी पैथोलॉजी के साइंटिस्ट होते हैं, एग्रोनॉमी में हो उसमें भी पैथोलॉजी के साइंटिस्ट जाएंगे, हर डिपार्टमेंट में पैथोलॉजी के साइंटिस्ट अलग अलग होते हैं। पैथोलॉजी में होने के साथ साथ हर डिपार्टमेंट में भी एक एक पैथोलॉजी के साइंटिस्ट रखे जाते हैं। इसके साथ हमें अपने सब्जेक्ट का चयन अच्छे से करते हुए आगे MSc करने के बाद साइंटिस्ट फील्ड में या टीचिंग फील्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में आना चाहिए। तो जैसा कि इस MSc PG के फाइनल पास आउट होने के उपरांत आपको STA सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, PPO, SDAO, फिर उसके बाद आपकी DA, JDA, ज्वाइंट डायरेक्टर, DDA, DD, DA, ये सारे पोस्टें आती ही रहती हैं। UPPSC के अंतर्गत, UPPCS के अंतर्गत, ये सभी सिविल के अंतर्गत आती रहती हैं। फिर इसके बाद नेट आता है, ARS आता है, SRB आता है, CSIR आता है, UGC आता है, इन सब के अंतर्गत भी आप जाकर के आगे की अपनी प्रक्रिया को, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद रही प्राइवेट सेक्टर की बात, तो प्राइवेट सेक्टर में आप इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की तमाम सारी कंपनियां हैं, इसमें आप अपना रिज्यूम दे करके वहाँ इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद यदि आप स्वयं का अपना बिजनेस भी ओपन करना चाहते हैं, बिजनेस बिल्डअप करना चाहते हैं, तो आप जिस भी फील्ड से हैं उस फील्ड का आप लाइसेंस लेकर के, जैसे अभी पोल्ट्री हो जाए, मत्स्य पालन हो जाए, तमाम प्रकार की सुअर पालन हो जाए, बकरी पालन हो जाए, भेड़ पालन हो जाए सारी, या फिर आप बागवानी करना चाहें इत्यादि, आप इसको उसका लाइसेंस बनवा के, आपको गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, 40% सब्सिडी आपको गवर्नमेंट दे देती है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद यूपी कैडेट के अंतर्गत आप गए हैं, एडमिशन लिए हैं, इसके उपरांत आपने तैयारी कैसे किया था, कहां पर कोचिंग संस्था से या सेल्फ स्टडी से कैसे आपने तैयारी किया था? हम कानपुर एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी से तैयारी किए थे, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस से जुड़े हुए थे। यहाँ इस कोचिंग की जो नोट्स है उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दिया था मैंने, और कोचिंग कभी मैंने क्लास को मिस नहीं किया था, क्योंकि कंटिन्यूटी जो होती है वो सक्सेस ऑफ की होती है। सक्सेस की अगर आपको सक्सेस होना है तो आप अपने अंदर कंटिन्यूटी रखिए। मैंने क्लास नहीं छोड़ी कभी, आप टेस्ट से मत घबराइए, अगर आपका टेस्ट कहीं लिया जा रहा है आप पढ़िए, नंबर कम आता है, एक बार आएगा, दो बार आएगा, स्टार्टिंग में नंबर कम आते हैं, लेकिन आने वाले समय में आपके नंबर बढ़ेंगे और आपको कुछ प्रोत्साहन मिलेगा, उस नंबर से ही प्रोत्साहन है आपका, जो आगे आपको ले चलकर एक सफलता की कुंजी के साथ आपको एक ऊंची मंजिल पर पहुंचा सकते हैं। जैसा कि इन्होंने कोचिंग संस्थान से तैयारी किया था और बताया इन्होंने कि प्रैक्टिस सेट कोचिंग में होता है जो टेस्ट होते हैं, तो उसको टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए बिल्कुल, उससे आपका क्या होता है, मूल्यांकन होता है, इवेल्युएशन होती है कि आप कितने पानी में हैं, क्या आपकी कितनी रैंक आ सकती है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्यूरेसी सही हो रही है। एक्यूरेसी पर ही आधारित रहता है रैंक यूपी कैडेट का। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है यूपी कैडेट में, तो आप कम से कम मिनिमम मैक्सिमम 50 क्वेश्चन से 50 रैंक नीचे आप डाउन हो जाएंगे, चाहे आपकी ओवरऑल रैंक हो या फिर आपकी कैटेगरी रैंक हो। ठीक है, ओवरऑल रैंक में आप 50 प्लस डाउन हो जाएंगे और कैटेगरी रैंक में भी आप डाउन होंगे तो आपको सीट खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, या फिर आप नॉट क्वालिफाइड हो सकते हैं, इस पर कोई संदेह नहीं है, तो इसलिए एक्यूरेसी बनाना सबसे जरूरी है। ठीक है, और उसके बाद आप GS के लिए तैयारी कैसे किए थे, जो 20 क्वेश्चन का GS रहता है उसका क्या आपने? GS के लिए एक स्पीडी नाम की बुक आती है और डॉक्टर राजदेव सर के द्वारा पढ़ाई गई जितने YouTube पर क्लासेस हैं उनकी क्लासेस से उनके GS की नोट्स और स्पीडी एक बुक मैंने फॉलो की थी, यही दो रिसोर्सेज का मैंने GS के लिए यूज किया था। तो स्पीडी जैसे कि आपकी करंट अफेयर की बुक आती है, वहां से आपके करंट के मुद्दे जो भी होते हैं वहां से आपके पुटअप हो जाते हैं, और फिर आप GK
और 20 क्वेश्चंस में हमने 2023 के सेशन में देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके नदियों से आए थे, 3-4 क्वेश्चन आपके नदी से आए थे और बांध से आए थे। तो इस मुख्य फोकस पर भी अभी हम आपको आगे अपलोड कर देंगे वीडियो एक और कि जीएस का सिलेबस, उसी सिलेबस को आप फॉलो करते रहिएगा। फिर अब आगामी जो भी आप अपने एमएससी के उपरांत आपका क्या लक्ष्य है, क्या आप करना चाहते हैं? एमएससी के उपरांत मेरा लक्ष्य यह है कि पीएचडी किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करते तहत उसके साथ नेट क्वालिफाई होने के बाद आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो, परमात्मा करें कि आपकी जो भी विशेष हैं 9 वर्ष के उपलक्ष्य में ही 2024 में आप बिल्कुल सफल हों। आगामी आगे अब जो भी स्टूडेंट आने वाले हैं, आगामी तैयारी करना चाह रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या अपना पर्सनल ओपिनियन छोटे भाई के तौर पे क्या देना चाहते हैं? अपने कंटिन्यूटी को बनाए रखिए, आप जो भी पढ़ रहे हैं रिवीजन, सबसे ज़्यादा रिवीजन करिए, जितना पढ़िए डेली का छोटा छोटा टॉपिक बनाइए, उतना टॉपिक को पढ़ने के साथ जितना टॉपिक डेली पढ़े उसको रात को 1 घंटे का टाइम निकालिए और आइस को क्लोज करके रात भर, दिन भर में आपने कितना पढ़ा है वो रात को इमेजिनेशन करिए, इमेजिनेशन के थ्रू आपने दिन भर में जितना पढ़ा है वो आप याद करेंगे तो वही आपके लिए पेपर में काम आता है। क्योंकि पेपर में सबसे ज्यादा दिक्कत तब होती है जब क्वेश्चन पढ़े होते हैं उसका आंसर आता है लेकिन उसमें से 4 में से 2 आंसर आते हैं, 2 नहीं, उन्हीं दोनों में से गलत होने की संभावना होती है। सबसे ज्यादा आप रिविजन करिए, ज्यादा पढ़ने से अच्छा है कम पढ़िए लेकिन रिविजन ज्यादा करिए। कितने घंटे आप पढ़ते थे और इनको कितने घंटे पढ़ने का आप अपना उद्देश्य देना चाहते हैं? मिनिमम हम 6 घंटे तो पढ़ते ही थे मिनिमम, और मैक्सिमम की कोई वो नहीं होती है, मिनिमम 6 घंटे आप लोग पढ़िए। सब्जेक्ट को डिवाइड कर लीजिए कि एक दिन में कम से कम 2 सब्जेक्ट, जैसे 2 घंटे क्योंकि एक सब्जेक्ट 6 घंटे व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, 2 घंटे आप जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग पढ़िए, 2 घंटे एग्रोनॉमी पढ़िए, 2 घंटे सॉइल साइंस पढ़िए मंडे को, दूसरे दिन फिर आप सब्जेक्ट को चेंज करिए क्योंकि हमें 17 सब्जेक्ट लेके चलने हैं, एक सब्जेक्ट नहीं लेना, हमको 17 के 17 कवर करने हैं और सारे 17 के 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करने हैं, इसी से हम अपनी सफलता को पा सकते हैं। और रही बात जीके की और 20 क्वेश्चन जीएस की, उसके चक्कर में ज़्यादा परेशान ना होइए, हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे और टेलीग्राम पे भी आप जुड़े रहिएगा, वहाँ पे हम अपने क्विज के माध्यम से आपको जीएस कंप्लीट करा देंगे। जीएस के पीछे कभी मत भागिएगा, आपका जो मुख्य डोमेन सब्जेक्ट है उसी के पीछे भागेंगे, जैसे आपका एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, फॉरेस्ट्री, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, सीड साइंस, इन सभी सब्जेक्टों को यदि आप पढ़ते हैं तो इससे आपका बेनिफिट क्या होगा, यूपी कैडेट क्वालिफाई हो जाएगी, फिर इसके बाद सीयूटी का भी सिलेबस अब बदल चुका है, सीयूटी भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। रही बात उसके बाद फिर आईसीआर का, आईसीआर सीयूटी दोनों एग्जामिनेशन मर्ज हो गई हैं और पीजी का जैसे कि सिलेबस भी बदल चुका है, तो आपको एक तीर से मल्टीपल टारगेट आपको भेदने का अवसर इस बार प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग कड़ी मेहनत से तैयारी कीजिए। बाकी जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग संस्थान से हमारे जुड़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल मुबारक है, आइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एप्लीकेशन का, हमारे वहां से जाइए, ऐप डाउनलोड करिए। और जैसा कि अभी 22 जनवरी से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी फीस न्यूनतम 1499 रुपये है, बिल्कुल न्यूनतम शुल्क में आपको दिया जा रहा है, आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं बिल्कुल आराम से, 4-5 महीने में आपको पूरा कोर्स, इंटायर कोर्स कवर कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग इस जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे, इस सेशन को देखकर के काफी मोटिवेशन मिले होंगी, तो आप अपने जो भी सहपाठी तैयारी करना चाह रहे हैं आप उनके साथ साझा कर दीजिएगा इस वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा साझा करेंगे तो उनको भी जानकारी मिलती रहेगी, घर बैठे भी आप अपना तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन लेकर के, और या फिर आप हमारे कानपुर आकर के ऑफलाइन भी कोचिंग कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग रिवीजन करिए क्योंकि रिवीजन ही सक्सेस है, की जो भी हो सफलता की कुंजी है रिवीजन। थोड़ा सा इसको ऊपर करें क्या, ये पेटवा नीचे करा और नीचे आवे ना, तो वो सब कट जा रहा है, वो ऊपर वाला फिर मतलब कट जाता है, थोड़ा नीचे जाने दीजिए, नीचे नीचे और नीचे, वो सब कट जा रहा है, थोड़ा एक थोड़ा बस इतना रह सकता,
नहीं नहीं फिर नहीं समझ में और करनी चाहिए थोड़ा थोड़ा कीजिए बोर्ड तक यहां तक ले। हां ठीक है, एक चीज उसमें मतलब मेंशन कर देना कि आप चाहे पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो टेस्ट से कभी मत भागिएगा। टेस्ट आपको मतलब प्योरिटी लाती है वो सब भैया बताएंगे प्रैक्टिस से। शर्टों ज्यादा ब्लैक ब्लैक चेहरों ब्लैक शर्टों ब्लैक दिखा दिखा एक डार्क सर्कल हमारी दिखने लगती है। चश्मा लगा लेता हूँ तो नहीं दिखता है। चालू करें समझ आ रही है वहाँ पे। हेलो आ रही है। चलो वहाँ हमें बस फ्रिक्वेंसी लेनी है इसकी मेन साउंड इसकी लेता हूँ। हाय फ्रेंड्स ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल एक मिनट सुन लगाइए मैक्सिमम तो के कैमरा दिखेंगे। चलो ठीक जितना ज़्यादा से ज़्यादा तो के कैमरा थोड़ा चेयर अपने पीछे करो ऐसे देखिए कैमरा ही नहीं एकदम कैमरा ना मतलब तिरछा एंगल का थोड़ा हल्का पीछे करो चेयर बताइए बस मिस्टर गोडाउन सेट इट हाई हट जाए ठीक है सही है हल्का इसको भी पीछे कर दें तो पीछे एक सीन है नहीं तो थोड़ा हम लोग का ज्यादा आया है हमको कैमरा देखना है आपको नहीं देखना नहीं अगर बातचीत हम लोग करेंगे आप तब नहीं तो मैक्सिमम टाइम वहाँ कैमरा चालू हो गया ना। हेलो हाय फ्रेंड्स ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। जैसा कि यूपी कैटेट के सेशन में जो भी स्टूडेंट अभ्यर्थी आगामी तैयारी करना चाह रहे हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में जो भी स्टूडेंट सिलेक्टेड होते हैं मैं उनका इंटरव्यू के स्वरूप में आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। तो फाइनली आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं एमएससी एजी एंट्रेंस क्वालिफाई करके और वर्तमान में ये आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज में अध्ययनरत हैं। तो सबसे पहले हम इनका परिचय जानते हैं और फिर आगे की जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं उस क्वेश्चंस को हम इनके द्वारा अपने आंसर को प्राप्ति करेंगे और आगे की स्ट्रेटेजी क्या है और कैसे तैयारी आप लोग करेंगे सारे क्वेश्चन हम इसी वीडियो में सम्मिलित करके कंक्लूड करेंगे। ठीक है सबसे पहले हम इनका परिचय जानते हैं। मेरा नाम सुधांशु वत्स है मैं प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला हूँ और हमारी बीएससी एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर गणपत शासनात्मकोत्तर महाविद्यालय सुल्तानपुर से हुई है। इस समय वर्तमान में मैं यूपी कैडेट प्रवेश परीक्षा को उत्तीर्ण कर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पादप रोग विज्ञान विभाग प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट से एमएससी फर्स्ट ईयर में हूँ। जैसा कि आप लोगों ने इनका परिचय जान लिए तो ये वर्तमान में एनडीयूटी यूनिवर्सिटी कुमारगंज अयोध्या से वर्तमान में प्लांट पैथोलॉजी सब्जेक्ट से एमएससी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है तो जो आगामी अपडेट्स जो भी आपके क्वेश्चंस रहते हैं तो सबसे पहले मन में ये अवधारणा रहती है कि जैसे कि जो भी स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज से हैं या फिर यूपी कैडेट से नहीं हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए जैसे कि आपके समक्ष प्रमाण के रूप में जैसे इन्होंने तैयारी किया है डिग्री कॉलेज से पढ़ते हुए और यूनिवर्सिटी की तरफ मूव ऑन किया है तो आप भी इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है तो सबसे पहले हम इनसे पहला प्रश्न अपना ये रखते हैं यूपी कैडेट में ये सफल कैसे हुए। जैसे यूपी कैडेट में 200 नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं पूरे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के दौरान जो भी आप अध्ययनरत करते हैं उसी में से सब्जेक्ट उसी सभी विषयों में से सम्मिलित रहता है। ठीक है तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये रहेगा आपने यूपी कैडेट में 200 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे जो कि मन में भ्रम बना रहता है काफी स्टूडेंट का तो उसको क्लियर करिए। आप मैक्सिमम 132 क्वेश्चन जैसे मैंने बताया मैं 122 क्वेश्चन किया था। आप मैक्सिमम अगर 100 क्वेश्चन भी करेक्ट एक्यूरेट सही कर देते हैं तो आप टॉप 100 के रैंक में आ सकते हैं। आप क्वेश्चन को एक्यूरेसी रखिए कि क्वेश्चन को सही करिए क्वेश्चन ज़्यादा करने से नहीं मतलब है क्वेश्चन जितना ज़्यादा सही करेंगे आपकी रैंक उतनी ज़्यादा अच्छी है। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जितनी एक्यूरेसी उतनी सही रहेगी उतना ही बेहतरीन आपका रैंक आएगा। ठीक है राजेश सर फोन कर रहे हैं।
फ्लाइट मोड लगा। इनकमिंग फ्रॉम डॉज ड्राइव।